अच्छा भैया, हम गायक अर्जुन पांडे आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हम एक बिरहा लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें कि हमारे कहानी में जो है इसका शीर्षक है कि कंजूस, कंजूस का दान अस्वर्ग में निदान। चार लाइन कवि जी भूमिका लिखत हुए का है मास्टर, कि पावन सुहावन सदा मन लुभावन सिखावन लगे नेक नियत अदा से फहरता पता का झुके आगे आका ताका है बांका बहादुर सदा से बुद्धि विवेक नेक बदनेक टेक से एक से क्या देख लेख मिलता है ऐसा भूखा है सूखा बना कैसे लूखा अरे कूखा जहर भी जउगता है कैसा यहां एक लाइन गजल बा मास्टर, कि अरे मिल गए हो ये कोई आशिक अपने माशूका से कह रहा है, कि मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर तो फिर से मिलने गजल लहल, लेकिन भाव में कवि जी लिखत हुए का लिखत हुए मास्टर, आज दो कल अरे आज दो कल मिलेगा सभी जानते यहीं से कहानी का शुरुआत हो जाले का मास्टर, मायापुरी में माया जाल को पसारी है रहायक बनिया उसके सामने लचारी है नारदीदार नारदीदार से होनहार चार लाल हुए महाकंजूस कभी खाया नहीं माल पुए पूरे पूर्ववासी एक आयोजन कराए हैं
उपवास मिले के आयोजन कराए हैं, प्रवचन होगा साधु संत को बुलाए हैं। प्रवचन चालू हुआ दान की महत्ता का, दान के आगे गर्व चूर हुआ सत्ता का। पहले बात के समझला, बिरहा समझले में आसानी हो जाइए। एक नगर बा जौने नगर का नाम बा मायापुरी। मायापुरी में एक बनिया रहत रहलन, वह गांव में मायापुरी गांव में वो बनिया अपन घर बसौले रहलन। शादी ब्याह भयल, चार ठे लड़का भी हो गइलन। चारों लड़का धीरे धीरे सयान होवे लगलन, लेकिन ये बनिया इतना कंजूस रहलन कि केहू अगर दरवाजे पे आ जाए, खास करके भिखारी साधु संत अगर कुछ आए के मांग कह दें कि हे महाराज, हे बनिया जी, हे सेठ जी, हमें कुछ दे दा, हम भूखा है, हम भिक्षा मांगे वाला हिला, तो के दुआरी से डांट के भगावे, कहें कि भाग यहां से, दाई के रखले हुआ ससुरु आए गईला हमारी दुआरे, यहां से दूसर दुआर देख, आ नहीं तो ले के लाठी, अब चार लाठी मारब, कुर मांगल तोहार भुला जाए। हाँ, इतना बढ़िया निम्न हाथ गोड़ ले के भीख मंगले के कवन आदत है रे ये भैया, जे सुने वह दुआरी से हट जाए, जाए के दूसर दुआर देखे। इतना कंजूस, इतना कंजूस कि मेहरारू के कजरो टिकुली लिए खुद दुई बेर सोचे। ये बात के लेके उ लड़का चारों बड़ा परेशान हुए कि तो हमरे माइयो का ना हम, ये बाप भले हमे, ये हमरे माइयो का ना हम, हमार कैसे हुई है भैया हो। ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलत बा, वही गांव के लोग जुट करके राय बनाए बाबूजी कि हमारे गांव में पूजा हुए और प्रवचन हुए, कथा हुए, बहुत दिन हो गया। वहां का चौधरी मिल करके और गांव के लोग मिलके चंदा इकट्ठा करके एक प्रवचन का आयोजन कैले, श्रीमद भगवत गीता वहां होए लगल वह गांव में। चार दिन जब बीत गयल तब पचे दिन ही सोचे लगलन कि तनी हम हूं चली के जने हमारो हो लायक कुछ हो, तो हो के हम तनी सुनी ले, आज चल दहले हुए। आ जब चल दहने बाबू सुने बदे तब भैल का मास्टर यहाँ लाइन गीत लगल, गीत वह बाकी अरे फेंकी दे थारिया, अरे फेंकी दे थारिया बलम गई ल झारिया पहुँचल किना, पहुँचल किना उठहिया में लहरिया पहुँचल किना, लेकिन इधर प्रवचन सुने बदे पहुँचल हुए वही समय का बात बा। कवि जी लिखत हमें का सुर प्रवचनिया, सुर प्रवचनिया में कह संत ज्ञानिया जुबानिया सेना, सुर प्रवचनिया
संत ज्ञानिया जुबानिया सेना निकरे माधुरी बचानिया जुबानिया सेना। प्रवचन में कहा था का उस संत उस साधु लोग कर्म कमाई यह बात कहले हुए कर्म कमाई मानव ले बातू सुधारी करी है सत्कार अभी धना जई बाजब दुआरी करी है सत्कार अभी धना जई बाजब दान के कहानिया बतावल रहनिया जुबानिया सेना करा दान कुछ समानिया जुबानिया सेना ये बाबू यह प्रसंग उठौले हुए वहां का महात्मा और यह प्रसंग उठौले हुए कि बाबू यह दुनिया में अगर आयल हवा तो खाली मुट्ठी बढ़ले ऐला खाली हाथे चल जीबा ये लिए गरीबन के लिए और जितना कमजोर व्यक्ति हुए उनके लिए कुछ यहाँ पे दान कई के जा जितना भिक्षुक हुए उन्हें अपने द्वार से वापस न होवे दा उन्हें कुछ दया यह भगवान की हन तुहें तो मिली यह दान का महत्व भगवान जाने ने और ये पुराण वेद जानत बा हमार आज से ना सनातन धर्म ये भी जानता है कि दान का महत्ता का होला ये लिए कुछ दान पुण्य कैले जा नहीं तो भगवानों की हम तुहार ठेकान ना लगी। ए बाबू जब इतनी बतिया वो बनिया सुनले हुए तब हल्का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लगल ये तू है बा कौनो मेहरारू मांगत हियो नथुनी काले ना हीरा के ना चानी के ना सोना के तो एक छे सामान के ले तवा बतौले बा कौने सामानी के लागी ना करोड़ पिया लागी ना ही लाख हो एक ही चीजुई अभी ना छू छबाट लाख हो कवि जी लिखत हुए बिरहा में का मास्टर संत जनों के मुख से सुन दान बात हो गाय दान अश्वमेघ से बड़ा बुझात हो जीवन के फिकरिया ये बाबू
के बनिया कहें कर बदनवा। मनवा में सोच ल चारो ललनवा, कर बनिया दान के तैयारिया बाबू देख लिया अपने नजरिया ये बाबू देख। वही कथा में संत जी कहत हुए कि अगर कुछ न सपर है तो एक गाय जरूर दान कर देवे के चाहिए। जे अगर एक ठे गाय दान कर दहले तो अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलेला। ये लिए अगर जीवन में वो कुछ भी न करे तब वो एक गाय दान कर देवे के चाहिए। आ सब पुरखा पुरनिया तर्ज हैं, सही कहला भैया। यह बात के बनिया सुनले कथा में कि संत जी बतावत हुए कि गाय दान कैले से तीन पुस्त तक के लोगन के स्वर्ग मिल जाए। इतनी बात उ सोचत हुए मन में आ सोचत के अपने घरे अल भैल का मास्टर चारो ललनवाबू लाई समनवाबू लाई समनवा हो बनिया बोल बनिया भी चार गैया बूढ़ाइया में बनी मुदाइया हो बनी है मुदाइया खाके मर जाई हो बे ए भैया घरे अले अले के बाद सोचत हुए कि हमारे चार गाय हैं। एक गाय बाबूजी बड़ा ओकर दुर्दिन रहल, धीरे धीरे बुढ़ापा पार हो गई लह ओकर टंगरी उंगरी बजत बा चलले में हिलत बा। वही गाई के अपने लड़का के बोलौल जेठ लड़का के बोलौल कहने ये बाबू यह गाय के एक थे पंडिते के दान करवा दे हमारे हाथ। गौर कीजिएगा बाबूजी, आज वह गाय का टंगरी हिलत बा चलले में बजत बा उ गाय बैठे तो के जोरई लगाई के उठावल जाए। वह गाय के काले खूटा से छोड़ लिया बाबू और के कौनो तरीके से उठाए उठाए के खड़ा कर तनी आज दर्रा पानी खिया देता कुछ टाँट हो जाए। अब पंडित जी के बोला लिया बाबू लड़का दूसरका वाला गए एक पंडित जी के बोलौले बोलौले चली आये। पंडित जी पैदल भागल अवत हुए सोचने की गाय बड़ी बढ़िया मिल जाई एक गाय हो जाई। उनके गाय ना रहल आ गई लें आ जब आय के दुआरी पे खड़ा भैल तो कहले कि ये महाराज कहले हाँ कहले है देखा ये गाय है आ हम गौ दान कहे चाहते कहने अच्छा कहने हाँ आज बाबूजी वह गाय के पगहा छोड़ के आ संकल्प कराई की कहने संकल्प करावा महाराज। संकल्प महाराज जी करावत हुए और वह गैयो और ताकत हुए तब तक बाबू संकल्प कराई के पगहा पकड़ा दे बनिया कहने के ले जा अब अहिन सही है खियबा पियबा हाँ आज उ लेके चल रहे आ जब चल रहे तब भैल का मास्टर यहाँ लाइन उहे गीत लगल गीत उहे बा कवन मास्टर कि हमरो के लगही सुताली अम्मा हमरो के लगही सुताली अम्मा बेटा राउर पी के रोज करेला
पंडित जी गाय लेके चल रहे जौने समय चल रहे हमन राह में सोचत हुए कि हमार आयल बेकार भयल हम तो जानी कौनो बढ़िया एक ठे गाय वो दे दी हैं ई बनिया तो हमारो घरे पहुंच हो जाई कुछ लड़कन के दूध दही हो जाई भयल का गैया ले पंडित कैले घर से बयान हो रहिया के बीचवा में निकलल परान हो बनिया ललनावा के पंडित जी बोलावल अंतिम संस्कार विप्र बनिया से करवल सोचे पंडित मानावा में बनिया कदान हो रहिया के बीचवा में निकलल परान ए बाबू वह गाय के लेके चल रहे पंडित जी आ जौने समय जात हुए रास्ते में एक ठोकर लगल वह गाय के आ गाय गिरल तुरंत बाबूजी मर जाए आ जौने समय गाय मर गई पंडित जी बाबू आधे रास्ते ना पहुंचल रहे तब तक घरे भागल भागल बनिया के अल आ कहल लड़का से कि ए बाबू गाय जौन तू हमें दहला उ गाय आज वही रहिए में ठोकर लगल गिरल अब मर गई अब बतावा का कहल जाए उ बनिया जब सुनने तो अपने लड़का से कहने चरहुन से कि जा अब फरुहा ले ला फावड़ा लेकर के आ जहां गाय मरल बा वहीं बगलिए में कतो गड्ढा खन के गाय के गाड़ दिया आज अलें सब अब फरुहा ले के बाबू गाय के गाड़ा खन के वही में गाड़ दिले दफना दिले इधर धीरे धीरे आ गए घरे आ जब घरे अलें धीरे धीरे बाबू बनिया के जब कुछ दिन बीतल बा तो सेहत खराब होए शुरू हो गई बुढ़ापा रहबे कहल आ जब सेहत खराब होए लगल एक दिन उ दिन आ गेल कि यमराज अइले आ बनियों के लेके चल दले जौने समय चल दले भलका मास्टर यहाँ टेरी लगल अरे बताए हैं बनिया से वही घरी अरे बताए हैं बनिया तो बताए हैं बनिया से वही घरी रहबा घोर नरक में यम तुरत फरमाए ए बाबू आज बनिया के लेके यमराज यमदूत जब यमराज के दरबार में पहुंचल हुए तो वहां एक आदमी आगे आगे लाइन में खड़ा है औकरे पीछे बनिया खड़ा हो गई यमराज कहले अपने मंत्री से कि जरा इनका हिसाब देखा जाए इनके जीवनी का लेखा जोखा देखल जाए कि का अपने जीवन में कैले हुए खोल के पोथी और देखे लगल इधर यमराज के आर्डर पे जब पोथी दिखाए लगल तो कहले कि नाना पहले ही जौन आगे आयल हुए पहले अनकर देख जाई तब अनकर देख जाई आज उनकर देखात बा
इधर जब दिखाए लगल तो वह आदमी के निकलत बा वही के पीछे बनिया खड़ा हुए बतावत हुए यमदूत कि ई आदमी बड़ा दान पुण्य कैले है। तो यमराज से कहले कि बहुत जीवन में अपने दान कैले हुए, कहले इन्हें स्वर्ग दे दा, स्वर्ग में रह के अधिकारी हुए। इधर पीछे बनिया के जब आयल नंबर तो बनिया के जब पोथी दिखाए लगल तो कहले कि भैया कुल तो सादे लौकत है लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में चार पन्ना बाकी है ओकरे पहले ये एक गाय दान कैले हुए। आज भयल का कहले कि जब एक गाय दान कैले हमने यमराज कहले तो कहले हाँ कहले ठीक है इन्हें एक गाय लिया के दिया और वह गाय से ई जवन चाहिए 24 घंटा वो गाय अनकर कहना मानी। भैल का मास्टर यहाँ के लाइन गीत लगल गीत है बाकवन अरे झगड़ा ए बलमू झगड़ा ए बलमू घर वही में रोज होला झगड़ा ए बलमू घर वही में रोज होला लेकिन हर जब गाय मिल जाले ते यमराज कहत हमें कि पहराए बनिया लहराए बनिया लूटा सोरगवई के लहराए बनिया लूटा सोरग इहवे बछेड़ी करी कुल कमावा जवन जहां कहबा देखाई कुल धमावा सुखवा के बेरी जानी कहराए बनिया लूटा स्वरगवई के लहराए बनिया लूटा स्वरगवई के ए बाबू आज वो गाय जब पा जैले तो यमराज कहले कि ए बनिया 24 घंटा बदे यह गाय से जवन कहबा तोहार कहना मानी जहां कहबा तोहें ले जाई आज ही तोहार 24 घंटा के लिए गुलाम है। कहले जवन कहब तवन मानी कहले हाँ कहले कि ठीक है कहले कि ए गाय मूड़ी झोले हाँ बोला कहले कि एक काम कर तो पहले यही यमराज के मार के मुंह दे आज गाय चल दहले है बाबू जौने समय चल दहले यमराज सोच गए कि अब तो हम ही के मुंह दे गाय चलल बा झूम के जब उसने समय गाय चलल यमराज अपन राजगद्दी छोड़ के खड़ा हो गए दूरे कहले देख मत चाहे टिले दौराव यन्हें बाबू भागे शुरू कैले आज भयल का मास्टर पहपटल अरे बचे न सरवा सुनिला मोरी दोहैया गैया मारा हो अयम भागे हम परिला तोहरी पैया गैया मारा हो अरे भागे हम दौड़ाव गैया गैले विधि गोहनावा हो आ हमें बचाव आवत हुए देखा वह समनावा हो सूझा नहीं
ब्रह्मा के ऊपरिया गैया मारा हो, अयम के ऊपर अली आज पलैया गैया मारा हो। ए बाबू भागत भागत पहुंचल ब्रह्मलोक में, आ जब यमराज ब्रह्मलोक पहुंच गए इधर से पीछे गाय के ललकारत चल रहे बाबनिया कि जहां जा पीछा मत छोड़, आज पहुंच गए न ब्रह्मलोक में। आ यमराज कहले ब्रह्मा से कि जल्दी उतरा गद्दी पर से, आ अपन अस्त्र शस्त्र लेके हमें बचावा, औत हो ही बनिया गाय लेके। बाबू जो ही सोचत हुए कि कैसे नहीं बचाई तब तक वो आ गेल, आ जब आ गेल तो कहले कि अनहू के मार हमारे आदेश का पालन कर, चल दहले बा ब्रह्मा और ब्रह्मो छोड़ छाड़ के। अब भैया यमराज के साथे भागत हुए, अब भागल भागत लोग पहुंचले कहा यहाँ आलहम प्रमाण मिल मास्टर अरे हम साथे ब्रह्मा भगत भोला पास अइले भैया, इनहू के मारा कह बनिया ललका, यम के साथे ब्रह्मा जी भी भगत आवत हुए। अब भोला जी के पास पहुंचले कैलाश पर्वत पे, भोले बाबा देखले दोनों जने के, कहले का बात है, कहले कि हमने के ऊपर ऐसे बड़ी विपत कौनो परल ना रहा लेकर पहले हमने के बचा ला, आज बनिया गाय लेके औते होई तब तक वो आ गल, कहले कि अनहू के मार भल का भाग शिवदानी नहीं बची है परनवा बाबू, कहवा से आई लबाती आफत बरियार, धाम शिव ब्रह्मा यम विष्णु पास अइले भैया, लक्ष्मी साथे विष्णु क्षीर सागर मझा, आज क्षीर सागर में भगवान शेषनाग पे लोटल हुए, वही समय गाय लेके पहुंचल बा, आ जब पहुंचल तब तई सदर में लेला, अरे कह बनिया बोला एक बाट मोरी मैया, अरे बोली गैया तब ही गई है पालनहार, आई नहू के मारा पूरी होई आरा मनावा, भागल सब देव कैले धर्म से गोहार, ए बाबू जौने समय क्षीर सागर पहुंचल बा वही समय कहले कि गाय जल्दी से बढ़ा, आय नहू के मारा गाय मूड़ी झोरले बा कि अब हम आगे ना बढ़ब, कहले काहे, कहले बा गाय कि सबकर पालन हार हुए ई विष्णु जी हमें, तब तक कहले कि तू हमारे आदेश के पालन अगर ना करबू तब बतावा तू हमार गुलाम कैसन, वही समय भैल का तब तक धर्मराज बाबूजी वहां पे आ जाते हैं,
धर्मराज एक बात कहल का मास्टर खड़ी में अरे धर्म के मारा बनिया बोला हंसी के बतिया दयागमा पढ़ नहीं गैया पीटेला छतिया सब कर मिटली उदासी आ 24 घंटा पूरा तू न रखावे के बासी त कहां धर्म यम छोड़ा अब तू अपन घटिया तयगमा पढ़ नहीं गैया पिटेला छतिया बाबूजी आज वही समय कहले बा कि मार हैं गाय कहले कि ना तब तक धर्मराज बोल पड़ते हैं कि 24 घंटा पूरा हो गया ए बाबू बनिया अभी गाय तोहार कहना ना मानी 24 घंटा पूरा हो गया बा इसलिए अभी तोहार कहना ना मानी तू अब नरक में रहबा तब तक बाबूजी विष्णु जी उठ करके खड़ा हो जाते हैं और कहे लगलन कि नाना शिव साथे ब्रह्मा विष्णु जेकरे सामने हो गए ले जे दर्शन पागल उ नरक के वासी ना है इन्हें तो अब पूरे जीवन अब यह बनिया के स्वर्ग होए की चाहिए भल का मास्टर अरे मोक्ष धाम को पाया बनिया कैल गऊ दनवा अकर उपकार पाके मनई कतनवा तो सुखवा में ओराई तब सारी रतिया तयगमा बढ़ नहीं गैया पीटेला छतिया ये लिए कहल गए बाबूजी कि मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलाला लेकिन यह मनुष्य तन के जाया न करा भल का अंतिम लाइन है साधु नटखट राम आधार पावन है दान महान तदिन कर यादव दयाराम करते नित पहचान अरे बताए हैं बनिया से वही घड़ी तैयार अर्जुन दयाराम ममता गले लगाए बताए